नमस्कार, आप देख रहे हैं रैपिड टाइम्स और आपके साथ मैं हूं शिखा। आइए एक नजर डालते हैं आज के दिन भर की खबरों पर। 25 नवंबर से संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत, कई अहम बिलों पर होगी चर्चा। एयर इंडिया की फ्लाइट में मिला कारतूस, दुबई से दिल्ली आया था प्लेन, जांच में जुटी पुलिस। मादारीहाट रविंद्र नगर में शुभेंदु अधिकारी ने मादारीहाट उपचुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी राहुल लोहार के समर्थन में की जनसभा। शुभेंदु अधिकारी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, अगर राज्य में डबल इंजन की सरकारी बनी तो 3000 रुपए का लक्ष्मी भंडार होगा। दादागिरी टैक्स न मिलने पर एक व्यक्ति की पीट पीट कर हत्या, एनजेपी थाना अंतर्गत राजा होली इलाके की घटना। परिवार और स्थानीय लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद कड़ी सजा की मांग की। युवक की रहस्यमय तरीके से मौत के मामले में पानी टंकी चौकी की पुलिस ने सिलीगुड़ी नगर निगम के 46 नंबर वार्ड के पोकाई ज्योत का निवासी एक दोस्त को किया गिरफ्तार। आरोपी को सिलीगुड़ी अदालत में किया गया पेश। काली पूजा के अवसर पर राजगंज ब्लॉक के आमबाड़ी फालाकटा शक्ति सौपन क्लब ने बच्चों के लिए चित्रांगन प्रतियोगिता का किया आयोजन। अलीपुरद्वार जिले के कुमार ग्राम ब्लॉक के मध्य हल्दीबाड़ी में 9 वर्षीय बच्चे के साथ दुष्कर्म, बच्ची अस्पताल में चिकित्सा थी। आरोपी को स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस को सौंपा। अलीपुरद्वार जिला अंतर्गत फालाकटा थाना इलाके में 6 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या, घटना के बाद एक आरोपी की पीट पीट कर हत्या। फालाकटा थाना पुलिस अन्य एक आरोपी को किया गिरफ्तार। घटना के बाद विधायक दीपक वर्मन ने पीड़ित परिवार से किए मुलाकात। बच्चे के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में दोषियों को सजा देने की मांग को लेकर फालाकटा के निवासियों ने सड़क जाम कर टायर जलाकर किया विरोध प्रदर्शन। एसटीएफ ने प्रतिबंधित कप सिरप की तस्करी का किया भंडाफोड़, एक गिरफ्तार। फांसी देवा के विधान नगर के मुरलीगंज में अभियान चलाकर लॉरी से प्रतिबंधित कप सिरप की 54,000 बोतल किया जब्त। फिलहाल आज के लिए रैपिड टाइम्स इतना ही, आपके सामने फिर से होंगे हाजिर। तब तक के लिए आप देखते रहिए सिलीगुड़ी टाइम्स। फेसबुक पेज के अलावा भी आप देख पाएंगे यूट्यूब, एक्स हैंडल, थ्रेड्स एंड इंस्टाग्राम पेज पर भी।